गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ SST, बट फर्स्टली यू चेक द कवर पेज क्लास सेकंड। दीज आर कंटेंट्स ऑफ योर बुक। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 14 चैप्टर्स। फर्स्ट माय फैमिली, सेकंड फूड, थर्ड वाटर, फोर्थ क्लॉथ्स, फिफ्थ काइंड्स ऑफ हाउसेस, 6 places in a neighborhood, 7 my school, 8 rest and recreation, 9 directions, 10 means of transport, 11 our earth, 12 time, 13 the story of wheel, 14 Jawaharlal Nehru and my corner. The first chapter is my family. You will learn what is a family, परिवार किसे कहते हैं। आप इस chapter में ये पढ़ेंगे about the types of families and the members of a family, परिवार के प्रकार और परिवार के सदस्यों के बारे में जानेंगे, how family members care for each other, कैसे परिवार के सदस्य एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, वो आप पढ़ेंगे। हेलो, आई एम, यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है। हेलो, आई एम आयुष, दिस इज़ माय फैमिली। ओके, तो यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है। नेक्स्ट, पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली हेयर। आपको अपनी फैमिली के साथ की जो पिक्चर है, जिसमें सारी फैमिली साथ में है, वो पिक्चर आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। वी ऑल लिव टुगेदर, हम हमेशा साथ रहते हैं। हेयर यू कैन सी माय फैमिली, यहाँ पर फैमिली फिल करना है, FAMILY, फैमिली। ओके, हेयर यू कैन सी माय फैमिली मीन्स यहाँ आप मेरी फैमिली देख रहे हैं। जो ऊपर आप पिक्चर पेस्ट करेंगे उसके बारे में आप बोलेंगे कि ये है मेरी फैमिली है, आप मेरी फैमिली देख रहे हैं। आई एम वियरिंग, मैंने क्या पहना हुआ है, तो आपने जो भी पहना हुआ है आप वहाँ पर लिख सकते हैं। लाइक बॉयज़, यदि आपने शर्ट पैंट पहना है तो आप लिख सकते हैं आई एम वियरिंग अ शर्ट पैंट, और गर्ल्स ने यदि फ्रॉक पहना है या स्कर्ट टॉप पहना है तो आप लिख सकते हैं आई एम वियरिंग अ फ्रॉक या आई एम वियरिंग अ स्कर्ट टॉप। एंड देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स मेम्बर्स इन माई फैमिली, यहाँ पर आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स की काउंटिंग लिखनी है कि आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। लाइक देयर आर 4 फैमिली मेम्बर्स या 6 फैमिली मेम्बर्स इन माई फैमिली, आपके जितने फैमिली मेम्बर्स होंगे आप अपना फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स ब्रदर एंड फिल इन द ब्लैंक्स सिस्टर, आपके जितने भी भाई हैं या जितनी भी बहनें हैं आपको यहाँ पर उसकी नंबर फिल करना है। यदि भाई नहीं है बहन है तो भाई में ज़ीरो कर देना है, और यदि बहन नहीं है भाई है तो सिस्टर में ज़ीरो कर देना है। मतलब जो भी आपकी नहीं हो तो उसमें ज़ीरो कर देना है या नो लिख देना है, और यदि आपके जितने भी भाई बहन हों तो आपको उसको फिल करना है। ओके, नेक्स्ट है हिज़ और हर नेम, यदि भाई है तो उसका यहाँ पर नाम लिखना है, यदि बहन है तो उसका यहाँ पर नाम लिखना है, जितने भी जो भी भाई बहन हैं उनका नाम आप यहाँ मेंशन करेंगे। वी ऑल हैव अ कॉमन लास्ट नेम, हम सभी का एक कॉमन लास्ट नेम होता है हमारी फैमिली का, तो वो लास्ट नेम आपको यहाँ फिल करना है। लाइक शर्मा, वर्मा, द्विवेदी, मिश्रा। ओके, सो द लास्ट नेम शेयर्ड बाई ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द सेम फैमिली इज कॉल्ड द फैमिली नेम और सरनेम। एक ही परिवार के सभी सदस्यों के नाम के पीछे जो एक नाम लगाया जाता है, कॉमन नेम लगाया जाता है, उसे हम फैमिली नेम या सरनेम या हिंदी में उपनाम कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, परिवार के सदस्यों के बारे में बताया जाएगा अब आपको। द पीपल विथ होम वी लिव आर आवर फैमिली मेंबर्स,
ऐसे लोग जो हमारे साथ रहते हैं उन्हें हम हमारे फैमिली मेंबर्स कहते हैं। आवर मदर एंड फादर आर आवर पेरेंट्स, हमारे माँ और पापा हमारे पेरेंट्स होते हैं। आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर आवर सिबलिंग्स, और जो हमारे भाई और बहन होते हैं वो हमारे सिबलिंग होते हैं, उन्हें हम शिवलिंग्स कहते हैं। ब्लू बॉक्स में देखिए, आपको बताया गया है कि किसे दादाजी बोलते हैं, किसे दादी माँ बोलते हैं। द फादर ऑफ अवर फादर और मदर इज़ अवर ग्रैंडफादर, हमारे पापा और मम्मी के जो पिता हैं उन्हें हम ग्रैंडफादर कहते हैं। एंड द मदर ऑफ अवर फादर और मदर इज़ अवर ग्रैंड मदर, और जो हमारे पापा और मम्मी की माँ होती हैं उन्हें हम ग्रैंड मदर कहते हैं, मीन्स दादी और नानी। द ब्रदर्स ऑफ अवर मदर और फादर आर अवर अंकल्स, जो हमारी मम्मा और पापा के भाई होते हैं उन्हें हम अंकल्स कहते हैं, मतलब चाचा या मामा। द सिस्टर्स ऑफ अवर मदर और फादर आर अवर आंट्स, जो हमारी माँ और पापा की सिस्टर्स होती हैं, बहनें होती हैं, उन्हें हम इंग्लिश में आंट्स और हिंदी में बुआ या मौसी कहते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ अवर आंट्स एंड अंकल्स आर अवर कजिन्स, और जो हमारे चाचा चाची के बच्चे होते हैं उन्हें हम कजिन्स या चचेरे भाई बहन कहते हैं। सम फैमिलीज हैव पेट्स, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फैमिली, कुछ फैमिलीज में पालतू जानवर भी होते हैं, वे भी परिवार का एक हिस्सा होते हैं। वी शुड हेल्प अवर पेरेंट्स इन टेकिंग केयर ऑफ देम, हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं अपने पेट्स की केयर करके। वी मस्ट नॉट हार्म देम, हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 3, टाइप्स ऑफ फैमिलीज, परिवार के प्रकार। डेविड लिव्स विद हिज फादर मदर एंड सिस्टर, डेविड अपने माँ पापा और अपनी बहन के साथ रहता है। दिस टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली और अ न्यूक्लियर फैमिली, इस प्रकार के परिवार को हम एक छोटा परिवार या एकल परिवार कहते हैं। रानी लिव्स विद हर ब्रदर फादर मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, रानी अपने भाई माँ पापा और दादा दादी के साथ रहती है। दिस टाइप ऑफ फैमिली इज़ कॉल्ड अ लार्ज फैमिली, ऐसी फैमिली को लार्ज फैमिली या बड़ा परिवार कहते हैं। पलक लिव्स इन अ बिग फैमिली, पलक बड़ी फैमिली में रहती है। देयर आर 11 मेंबर्स इन हर फैमिली, उसके परिवार में 11 सदस्य हैं। शी लिव्स विद हर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर फादर मदर ब्रदर अंकल्स आंट्स एंड कजिन्स, वह जिस फैमिली में रहती है उसमें उसके दादा दादी पापा मम्मी भाई चाचा चाची और उनके बच्चे रहते हैं। दिस टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड अ ज्वाइंट फैमिली, ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार या ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 4, राजेश लिव्स विद हिज मदर, राजेश अपनी माँ के साथ रहता है। हिज मदर इज़ अ टीचर, उसकी माँ एक अध्यापक है, शिक्षिका है, अध्यापिका है वो, शिक्षिका है। ही हेल्प्स हिज मदर एट होम, राजेश अपनी माँ के साथ उनकी मदद करता है घर में। हिज मदर हेल्प्स हिम विथ हिज होमवर्क, उनकी माँ भी राजेश का गृह कार्य कराने में होमवर्क कराने में उसकी हेल्प करती है। देयर इज़ नो अदर मेंबर इन राजेश फैमिली, राजेश की फैमिली में और कोई भी दूसरा मेंबर नहीं है। हिज फैमिली इज़ अ सिंगल पेरेंट फैमिली, ऐसी फैमिली को हम सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं, क्योंकि उस फैमिली में बच्चे का केवल एक ही पेरेंट है जिसे हम सिंगल पेरेंट कहेंगे। केयरिंग फॉर फैमिली मेंबर्स, अपने
परिवार के सदस्यों की देखभाल करना। सलमा लिव्स विद हर फादर मदर एंड एल्डर सिस्टर। सलमा अपने पापा, अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है। हर फादर इज़ अ डॉक्टर एंड हर मदर इज़ एन इंजीनियर। उसके पापा एक डॉक्टर हैं और उसकी माँ इंजीनियर है। सलमाज पेरेंट्स लीव फॉर वर्क इन द मॉर्निंग। सलमा के जो पेरेंट्स हैं वो मॉर्निंग में ही काम के लिए निकल जाते हैं। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल सलमा एंड हर सिस्टर टेक आउट देयर फूड फ्रॉम द हॉट केस एंड ईट इट। जब सलमा और उसकी सिस्टर स्कूल से वापस आते हैं तो सलमा और उसकी सिस्टर हॉट केस में रखा हुआ खाना खाते हैं। दे ऑल्सो चेंज देयर क्लॉथ्स ऑन देयर ओन। वे अपने आप ही अपने कपड़े चेंज करते हैं। देयर पेरेंट्स रिटर्न फ्रॉम वर्क इन द इवनिंग। उनके माँ बाप शाम को काम से वापस लौटते हैं। दे शेयर देयर डेज स्टोरीज विद ईच अदर। और वे पूरा दिन की दिनचर्या को अपने साथ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे से बताते हैं कि आज पूरे दिन में हमारे साथ क्या क्या हुआ। दे हैव डिनर टुगेदर। और वे साथ में रात का भोजन करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम। और सलमा और उसकी सिस्टर अपने माँ बाप की घर में, अपने माता पिता की घर में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। वी ऑल आर आ पार्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिली। हम सभी विभिन्न प्रकार के फैमिली में, विभिन्न प्रकार के परिवारों में रहते हैं, विभिन्न प्रकार के परिवारों का हिस्सा हैं। वी लव अवर फैमिली मेम्बर्स एंड केयर फॉर देम। हम अपने परिवार के सदस्यों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। तो आप भी अपने परिवार की केयर करिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प करिए।